हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये हमें किस तरह से बनाना है, मींस कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मींस इस टेबल को आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो देखिए, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो नंबर्स लेने हैं वो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4। याद रखिए, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लेने, मींस 0, 1, 2, 3, 4। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, और उसके बाद इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट भी लेना है। तो देखिए, हमने क्या किए, 0 से 4 तक के नंबर्स लिए, सभी को 4 से डिवाइड किए, और अब सभी का स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जहां पर देखिए डिवीजन पॉसिबल है वहां डिवाइड जरूर कर लीजिए। जैसे 0 के अपॉन में कोई भी नंबर रहे, आंसर 0 आता है। ठीक है, यहां पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहां पर होता है डिवीजन, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, यहां पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहां पर 4 1 जा 4 1 जा, मींस आंसर क्या मिलने वाला है, 1। तो अब देखिए, हमने डिवाइड कर लिए इन नंबर्स को। अब डिवाइड करने के बाद जो बचे हुए नंबर्स है इनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखिए, अब 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 बाय 4, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहां पर अब 1 बाय 2 बचा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए √2 जैसा का वैसा। यहां पर नंबर है 3 बाय 4, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। 3 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, √3 रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। उसके बाद यहां 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो देखिए, ये जो हमें फर्स्ट लाइन मिली है इसे आप कहेंगे साइन एंगल के रेशियोज, मतलब साइन थीटा के ये वैल्यूज है। अब कौन से वैल्यूज है, तो सबसे पहला वैल्यू रहता है 0 डिग्री का, दूसरा रहता है 30 डिग्री का, तीसरा रहता है 45 डिग्री का, चौथा रहता है 60 डिग्री का, और सबसे लास्ट रहता है 90 डिग्री। तो याद रखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और जो पहली लाइन हमें मिलती है स्क्वायर रूट लेने पर, वो लाइन किसके लिए होती है, साइन एंगल के लिए, मीन साइन थीटा के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो एंगल होता है वो है कॉस एंगल के लिए, हम देखिए लिखेंगे ये कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे जरा समझ लेते हैं। तो जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आ जाएगा, और जो सबसे पहले वाला वैल्यू है वो लास्ट में जाएगा। याद रखिए, सबसे लास्ट में जो वैल्यू दिखाई देता है उसको सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले वाला वैल्यू लास्ट में लिखिए। अब ये फर्स्ट लास्ट को भूल जाइए, अब जो आपको लास्ट नजर आता है वो है √3/2, ये नजर आता है, इसे आप पहले लिख लेंगे। और अब जो 1/2 पहले नजर आता है उसको यहां लास्ट में लिख लेंगे, और बीच का टर्म जैसा का वैसा। देखिए, एक बार फिर बता रहा हूं, जो लास्ट का वैल्यू है उसको सबसे पहले, और सबसे पहले वाला वैल्यू लास्ट में। तो ये फर्स्ट लास्ट अगर भूल जाते, अब जो लास्ट नजर आता है उसको पहले लिखिए, और जो पहले नजर आता है उसको लास्ट में लिखिए, मिडल वैल्यू जैसा का वैसा। अब हमें लिखना है टेन के बारे में। तो देखिए, टेन थीटा के वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, तो आपको बता दूं, टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, मीन्स टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स अगर साइन को हम डिवाइड करते कॉस से तो हमें टेन का वैल्यू मिल सकता है। तो देखिए, और इसके साथ साथ जो आपको बातें बता रहा हूं वो इस तरह से कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर रहे, आंसर 0 आता है, और नंबर के अपॉन में 0 रहा तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ये मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बताया हूं, आप उन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो 0 अपॉन एनी नंबर 0 होता है, नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी इज सच ए लार्ज नंबर दैट वी कैन नॉट डिफाइन इट, मतलब इतना बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी की जिसकी हम परिभाषा नहीं बता सकते, जिसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते। अब देखिए, 0 के अपॉन में नंबर, तो 0 अपॉन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब
इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 1 बाय 2 को डिवाइड करेंगे रूट 3 बाय 2 से, तो नीचे का 2 2 कैंसल्ड, तो क्या बच रहा है देखिए 1 अपॉन रूट 3 मिला। उसी तरह से यहां पर देखिए नीचे का रूट टू कैंसल्ड, तो क्या मिल रहा है 1 अपॉन 1, और ये 1 अपॉन 1 मतलब 1 होता है। उसके बाद नीचे का ये 2 और 2 कैंसल्ड, तो क्या बच रहा है देखिए रूट 3 अपॉन 1, और रूट 3 अपॉन 1 क्या होता है रूट 3, ठीक है, रूट 3 अपॉन 1 ये होता है रूट 3। उसके बाद नंबर अपॉन 0 है, तो मैंने बताया देखिए नंबर अपॉन 0, नंबर अपॉन 0 क्या होता है इंफिनिटी होता है। तो इस तरह से देखिए हमने टेन के भी वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। तो आइए अब हम कॉट के वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कॉट थीटा के लिए। तो ये देखिए कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, टेन का उल्टा ये होता है कॉट, मतलब टेन के जितने वैल्यूज दिए हैं आपको इनके उल्टे वैल्यूज कर दीजिए तो आपको कॉट मिलेगा। मींस इसका अगर रेसिप्रोकल लेते 10 में जितने भी वैल्यूज दिए हैं या जो भी नंबर्स आपको दिए, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते या इनका उल्टा कर देते तो हम कॉट थीटा के वैल्यूज लिख सकते। तो अब देखिए यहां आपको बता देता हूं, जीरो का उल्टा इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी का उल्टा जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो का उल्टा इंफिनिटी, अब इसका उल्टा लेना है तो 1 बाय रूट 3 का उल्टा रूट 3 बाय 1, 1 बाय रूट 3 का उल्टा रूट 3 बाय 1 ये होता है रूट 3, तो इसका वैल्यू रूट 3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब देखिए इस रूट 3 का उल्टा, तो रूट 3 के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से लास्ट में है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा होता है जीरो, इन्फिनिटी का उल्टा होता है जीरो। तो अब देखते हैं कॉस के बाद में हम सेक के वैल्यूज, ठीक है, कॉस के बाद में सेक थीटा के लिए, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इस वन का उल्टा वन रहेगा, ठीक है, वन का उल्टा वन, इस रूट थ्री बाय टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, वन बाय रूट टू है इसका उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ये होना है रूट टू हो जाएगा, वन बाय टू इसका उल्टा टू होता है, टू बाय वन मीन्स टू, जीरो का उल्टा इंफिनिटी हो जाएगा, और अब लास्ट में साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। यहां देखिए इसके जो जितने भी वैल्यूज हैं इनके उल्टे वैल्यूज लिख रहे, मींस जीरो का उल्टा इंफिनिटी, वन बाय टू का उल्टा टू हो जाएगा, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू इसका उल्टा टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, और वन का उल्टा वन मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने कोसेक थीटा के भी वैल्यूज लिखे। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, लेकिन आपको बता दूं जैसे ये जीरो के लिए ये जीरो ही रहता है, 30 डिग्री का मतलब इसे लिख सकते हम पाई बाय 6, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4, 60 डिग्री मतलब ये होता है पाई बाय 3, और 90 डिग्री मींस ये होता है पाई बाय 2। तो देखिए जिनको इनकी आवश्यकता है पाई के फॉर्म में तो इस तरह से भी ये लिख सकते हैं, मींस जीरो मींस जीरो डिग्री, और 30 डिग्री मींस पाई बाय 6, 45 डिग्री मींस पाई बाय 4, 60 डिग्री मींस पाई बाय 3, 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, ठीक है। अब इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आज हमने सीखे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं, और यहां पर मैं ये लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं सेपरेटली किस तरह से किसके वैल्यूज आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इस टेबल को लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप इस वे में बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका जो मैंने बताया हूं इसे आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप ये टेबल आसानी से बना पाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का तरीका, मींस किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है ये मैंने आपको बताया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।